नेक्स्ट जो सीवर अपर्टिनेंसेस है वो है इन्वर्टेड साइफंस, जिसको हम डिप्रेस्ड सीवर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है ये चीज़? देखो, हमारी सीवर लाइन ऐसे आ रही थी मजे मजे में, ठीक है, और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई नदी आ गई, ठीक है, कोई रेलवे ब्रिज आ गया, कुछ भी ऑब्स्टेकल आ गया, तब उस केस में हमको ये जो सीवर लाइन है हमारी, इसको उस ऑब्स्टेकल के नीचे से इस तरह से झुका के निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमारे सीवर पाइप को थोड़ा इन्वर्टेड करके निकाला, यानी कि डिप्रेस्ड किया। ठीक है, इसीलिए इसको हम डिप्रेस्ड सीवर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी नदी होगी जैसे, ठीक है, हमने क्या किया, हमारी सीवर लाइन को इस नदी के नीचे से इस तरह से हमको निकालना पड़ा। तो यहाँ पर जो सीवेज का फ्लो हो रहा है ये इस इन्वर्टेड सेक्शन में, वो अंडर प्रेशर हो रहा है। ठीक है, बाकी तो अंडर ग्रेविटी हो रहा था, हमें पता है हमारे सीवर पाइप में सीवेज का जो फ्लो होता है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, स्लोप की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडर प्रेशर होगा, जैसे हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में होता था ना अंडर प्रेशर, वैसे ही होगा यहाँ पर, यहाँ पर अंडर प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा इतना एलिवेशन तय करके। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा फ्लो हो रहा था वो कैसा हो रहा था, पार्शियल फ्लो हो रहा था। कैसा हो रहा था, पार्शियल फ्लो हो रहा था, लेकिन इस सेक्शन में जो फ्लो होगा वो फुल फ्लो होगा। ठीक है, फुल फ्लो होगा और अंडर प्रेशर होगा, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड साइफंस या फिर डिप्रेस्ड सीवर। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, इसकी पिक भी देख लो। ये देखो, ये हमारा सीवर लाइन जो आ रही थी मजे मजे में आ रही थी, रास्ते में ही हमारी नदी आ गई या बाधा आ गई, तो इसके लिए हमको यहाँ पर इन्वर्टेड शेप देना पड़ेगा थोड़ा इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो पार्शियल फ्लो था और यहाँ पर जो फ्लो होगा वो फुल होगा। ठीक है, कैसा फ्लो होगा, फुल फ्लो होगा और अंडर प्रेशर होगा। पहले कैसा था, पार्शियल फ्लो हो रहा था और अंडर ग्रेविटी हो रहा था। तो यही है बस इन्वर्टेड साइफंस या फिर डिप्रेस्ड सीवर। ठीक है ना, तो देखो, व्हेनेवर ए सीवर पाइप हैज टू बी ड्रॉप्ड बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर पासिंग इट बेनेथ ए वैली, बेनेथ का मतलब होता है नीचे से। ठीक है, बेनेथ ए वैली, ए रोड, ए रेलवे, ए स्ट्रीम, ए टाइडल एस्ट्रे, ओवर एनी अदर डिप्रेशन इन द अर्थ सर्फेस, और वेयर इट पासिस बेनेथ सम अदर ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स पाथ, इट विल बी नोन एज ए इन्वर्टेड साइफंस ओवर डिप्रेस्ड सीवर ओवर ए सेग पाइप। समझ में आ गया, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, जब भी हमारी सीवर लाइन के रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, ठीक है, तब हम उसको क्या करते हैं, उसके नीचे से उसको झुका के निकालते हैं। ठीक है, और उस केस में जो हमारा फ्लो होता है, ठीक है, इन्वर्टेड साइफन के केस में जो हमारा फ्लो होता है वो फुल फ्लो होता है और अंडर प्रेशर होता है, अंडर ग्रेविटी नहीं होता। देखो, द सीवेज थ्रू सच ए पाइप लाइन विल बी फ्लोइंग अंडर प्रेशर एज इन द केस ऑफ वाटर पाइप लाइन्स। ठीक है, एन इन्वर्टेड साइफन इज यूजली मेड ऑफ साइफन ट्यूब्स ओवर पाइप मेड ऑफ कास्ट आयरन और कॉन्क्रीट। जो इन्वर्टेड साइफन होता है, ठीक है, वो हमारा साइफन ट्यूब्स का भी बना होता हो सकता है, ठीक है, कास्ट आयरन का भी बना सकता है, कॉन्क्रीट का भी बना हो सकता है। ठीक है ना, दीज पाइप्स आर लेड बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट चेम्बर्स यूजली एट द सेम एलिवेशन। ये पाइप्स किसके बीच में रखे जाते हैं, इनलेट और आउटलेट चेम्बर्स के बीच में रखे जाते हैं, जो कि यूजली सेम एलिवेशन पे होते हैं। ये इनलेट चेम्बर है, ये आउटलेट चेम्बर है, दोनों सेम एलिवेशन पे है और इनके बीच में हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ क्या होता है। वो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हमारी सीवर लाइन के पाथ में कोई बाधा आ जाती है तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इन्वर्टेड साइफंस प्रोवाइड करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि डिप्रेस्ड सीवर प्रोवाइड करते हैं, और डिप्रेस्ड सीवर में जो फ्लो होता है वो फुल फ्लो होता है, अंडर प्रेशर होता है। बस इतनी सी चीज़ हमको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। ओके,